विधायक दीपक मंगला ने शुक्रवार को पलवल से अयोध्या धाम तक चलने वाली हरियाणा रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने के लिए पलवल बस डिपो से रोडवेज बस की सेवा शुरू कर दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। जिले से यह बस हर रोज श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जाएगी। उन्होंने कहा कि बस सेवा शुरू करने पर श्रद्धालुओं में उत्साह भरा हुआ है। विधायक प्रवीण डागर ने कहा कि पलवल से अयोध्या के लिए शुरू की गई बस सेवा से स्थानीय लोगों को अयोध्या धाम के दर्शन करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में बस सेवा शुरू की जा रही है। हरियाणा रोडवेज पलवल के जीएम नवदीप सिंह ने बताया कि यह बस प्रतिदिन 7 बजे पलवल बस स्टैंड से अयोध्या के लिए रवाना होगी और पलवल, होडल, कोसी, मथुरा, आगरा, लखनऊ होते हुए करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय कर सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। पलवल से अयोध्या के लिए किराया ₹925 तय किया गया है। श्रद्धालु ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। श्रद्धालु सविता ने बताया कि अयोध्या के लिए शुरू हुई बस से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। सीनियर सिटीजन आसानी से श्री राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। सरकार ने बस सेवा शुरू कर श्रद्धालुओं को एक सौगात दी है। ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रद्धालु जयराम प्रजापति ने बताया कि अयोध्या जाने के लिए पहले कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन आज से बस शुरू होने से राम भक्त खुश है। श्रद्धालुओं के मन में जोश व उत्साह भरा हुआ है। श्रद्धालु वीरेंद्र शर्मा वीरू ने बताया कि सरकार का यह अच्छा कदम है। पलवल जिले से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। लोगों में खुशी का माहौल है। बस शुरू की है, क्या कहना है? ये बस जो यहाँ से शुरू हुई है, इसके लिए यहाँ पे बहुत फायदा होगा। इसके लिए अयोध्या के लिए जैसे कि सीनियर सिटीजन होते थे या और कोई भी जाना चाहता था, उनके लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता था, तब जाके कहीं महीनों में रिजर्वेशन मिला करती थी। और अब ये है कि यहाँ से जो होगी अयोध्या धाम के लिए, ये बहुत बढ़िया सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से। रामलला मंदिर जो बनने की खुशी सारी जनता में हुई है, उतनी ही खुशी इस बस को चलने में यहाँ से है। श्रद्धालुओं में किस तरह का माहौल इस बस को लेकर? श्रद्धालुओं में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। जैसा कि हमें कल ही पता चला था, तो हमें सभी ने ये बात कही थी कि बहन जी अब हम आपके साथ हैं, आप हमें कभी अयोध्या लेके चलना, क्योंकि हम जरूर लेके चलेंगे। उनके यहाँ बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है कि हमें आप रामलला के दर्शन करा के लाएंगे। बहुत खुशी का दिन, आज हमारे पलवल से राम मंदिर के लिए जो बस शुरू होने जा रही है, वो एक खुशी का पर्व है। एक त्यौहार के रूप में हम इसको देख रहे हैं और हमारे पलवल के जो निवासी हैं वो सीधा पलवल बस स्टैंड से बैठकर अयोध्या के लिए जा सकेंगे। बहुत सुगम रास्ता होने वाला है, जिसके लिए मैं रोडवेज को, हरियाणा रोडवेज को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल पलवल से की है कि जो सीधे अयोध्या जाए। ये राम भक्तों में एक खुशी का माहौल है हमारे पलवल जिले में। ये हमारे एक जो तोहफा दिया है हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को भी अभी सुविधा मिल गई है पलवल को, कि हम डायरेक्ट अयोध्या पलवल से जा सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी, तो हमारी माता बहने बुजुर्ग सब लोग बहुत खुश है सर। लाभ होगा पलवल जिले राम मंदिर, राम मंदिर बनने से एक तो खुशी है, लेकिन अब राम मंदिर के लिए यहाँ से डायरेक्ट बस जा रही है, ज्यादा खुशी, डबल खुशी होगी है। राम भक्तों में अत्यंत खुशी है, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए देखो सर, हर बंदे के पास में अपनी कार नहीं है, हर बंदे के पास साधन नहीं है। ये सरकारी बस चली है सर, और इसका जो किराया वो भी बहुत ही कम है, तो उसके साथ में सामान्य व्यक्ति भी राम मंदिर के दर्शन कर सकता है, अपने राधे के दर्शन कर सकता है। ये हमें बहुत खुशी दे रही है ये चीज सर जी। मेरे को आपको बताते हुए बहुत ही हर्षोल्लास महसूस हो रहा है कि हमने ये बस सुविधा सरकार की हिदायत अनुसार शुरू की है। उस बस का समय हम सुबह 7 बजे करीब रखेंगे, सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई बस,
और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका किराया जो हमने 950 रुपये रखा है, और ये पलवल डिपो की ओर से एक ऐसी सुविधा है कि इतनी लंबी जो रोटेशन है जो हमारी अभी तक पलवल डिपो में नहीं है, 1300 किलोमीटर का इसका आना जाना है। माहौल है राम भक्तों में, क्या स्वागत रहेगी हमारे पूरे पलवल जिले के अंदर सभी जो आम जन है उसमें बहुत ही खुशी का माहौल है कि पूरे प्रदेश के अंदर जब सभी जिलों से अयोध्या धाम के लिए बसें चलाई जा रही है तो हमारे पलवल से भी कल से शुरुआत होगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पंडित अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस शुभ अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कोई भी व्यक्ति चाहे दिव्यांगजन हो या फिर कोई और दूसरे महिलाएं हो या युवा हो सभी बच्चे सभी वहां पर जाकर के जो हमारी राम जन्मभूमि अयोध्या वहाँ उस धाम के दर्शन कर सके उसके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम के चरणों में और उनके दर्शन करने के लिए हरियाणा सरकार ने मुहिम चलाई कि भगवान राम के श्रद्धालुओं को किस तरीके से सुविधा दी जाए। सबसे पहले मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के सांसद साहब का चौधरी कृष्ण पाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, विधायक हमारे तीनों आपके समक्ष है और जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा पुलिस कार्य है और एक अच्छा कार्य है, जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ कार्य है। ये बस सेवा हमारी हरियाणा सरकार में यहाँ से 7 बजे चलेगी, अयोध्या जाएगी। आप अयोध्या के दर्शन करके भगवान श्री राम के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। आप यहाँ आए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सीएम साहब ने हमारा सबका सम्मान किया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जरूर समय निकाले अयोध्या जाने के लिए। जय हिंद जय भारत। देखिए आज हमारे इस पलवल से अयोध्या धाम के लिए बस सेवा की शुरुआत हो रही है, जो डेली सुबह 6:30 बजे बस लग जाएगी, 7 बजे रवानगी हो जाएगी। एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे क्षेत्र को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने दी है। पलवल से ये बस डेली श्रद्धालुओं को लेकर के जाएगी, सुबह चल के रात को वहाँ 10 बजे बस पहुंच जाएगी, अगले दिन सुबह की फिर वो उस बस की वापसी होगी और एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। आप देख रहे किस तरीके का उत्साह राम भक्तों में श्रद्धालुओं में है। मैं इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, अपने प्रदेश के परिवहन मंत्री आदरणीय पंडित मूलचंद शर्मा जी का, क्षेत्र की तरफ से पलवल जिले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी सौगात हमारे इस पलवल के लिए। यात्रियों की संख्या अगर बढ़ती है क्या और बस का संचालन भी किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जिस इस तरीके से संख्या बढ़ेगी उसी तरीके से हमारी भी यही रहेगा कि भाई श्रद्धालुओं को या यात्रियों को किसी तरीके की सुविधा ना रहे, उनकी सुविधा के अनुसार उनको सुविधा बस की मिलती रहे। जो दिव्यांग लोग हैं उनकी बड़ी इच्छा है जाने के लिए, उनके लिए कुछ सुविधाएं होंगी? नहीं, वो तो बस में दिव्यांगों के लिए अलग से सीट होती है, वो तो जो है सुविधा है वो। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूरा नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।